सो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी ज़िंदगी के एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। क्या हाल है आपके? और आई होप आपकी भी ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी। मेरी तो बढ़िया चल ही रही है और मौज आ रही है ज़िंदगी अंदर। आज नाश्ते के अंदर आलू के पराठे बने और ये यहाँ पर रखे हैं और ये बिल्कुल गर्म गर्म है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, फटाफट फ्रेशअप हो लेते हैं क्योंकि गर्म गर्म आलू के पराठे और घी के साथ लगा के खाने में क्या ही स्वाद आते हैं। देखो इतनी गर्मियाँ आ चुकी हैं, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम से कम दोपहर के अंदर हो जाता है कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तो हो जाता होगा, 30-40 ऐसा, ठीक है। और हमारी रजाइयाँ वापस निकल आई हैं। अब तुम पूछेंगे क्यों, ये ना हम एक दो दिन से ऊपर छत पर सो रहे हैं और भाई छत पर ना ऐसी ठंड लगती है, मतलब ये पतला सा ब्लैंकेट होता है ना। मैं एक दिन सोया था, मतलब फर्स्ट डे जब सोया था मेरा हेडेक हो गया, फिर अगले दिन से हमने ये जो रजाई या जो भी हमारे कंबल थे जो हमने पैक करके रख दिए थे वो वापस निकाले। मैं कहा आ जाओ, तुम्हारी वापस ज़रूरत पड़ गई है। तो चलिए भाई हम नाश्ता करते हैं। और आज क्या नाम है, आज से नवरात्र और शुरू हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले नाश्ता कर रहा हूँ। ये नहा धो लेता और कल ये कह रहा था कि है ना मेरा व्रत रहेगा तो मेरे आलू के पराठे भी तू खा ली, इससे कि नहीं व्रत है कि नहीं है, उसका माइंड चेंज हो जाता है पल पल का। अरे तरुण तरुण, ओए ओए, आलू के पराठे तेरे रखे हैं, व्रत है तेरा है? तो भाई इसका व्रत है तो मैं खा लेता हूँ। आलू के पराठे घी के साथ खाने में क्या ही मज़े आते हैं, बस उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आलू के पराठे गर्म होने चाहिए। अरे चलो भाई तरुण, ये रोल अभी टाइम कितना हो गया, 2:05, हमारा खाना पीना हो गया है और अभी क्या तरुण का व्रत चल रहा है तो इसके लिए हम कुछ खाने पीने का लेने जा रहे हैं। अभी चलते हैं, अभी एक बंदा और आ रहा है फिर उसके साथ चलेंगे। और उससे पहले मैं आपको धूप का हाल दिखा दूँ, धूप का हाल एकदम ऐसे, मतलब बहुत गंदा हो रहा है। ये देखो फुक गया मेरा पैर तो इतनी देर में, अनशन धूप पड़ रही है, लू चल रही है, बहुत गंदी लू चल रही है। देखो यार भाई ये हेलमेट लगा के पैदल जा रहे हैं गाइस। ओके गाइस, अभी जाऊंगा तो पूछूंगा तो आपको भी बताऊंगा गाइस। बाय गाइस, हमारे दोस्त गाइस पागल है गाइस, हम जा रहे हैं गाइस। ऐसी धूप पड़ रही है भाई गंदी वाली, फिर ये तौलिया ना होता भाई, ये चलना मुश्किल है। अभी धूप से बचने के लिए अपन इधर बेचारे फ्लाईओवर के शरण में आ गए हैं। तो धूप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी धूप पड़ रही है? मत पूछो यार, हैं ऐसी चीज़ें पूछ नहीं जाती। अरे दो शब्द हो जाएं, दो शब्द रहने दो, समझ रहे हो, शब्द नहीं है हमारे पास बताने के लिए कि धूप कैसी पड़ रही है। हम चल रहे हैं इस वाली रेखा के अंदर, वो रेड जोन है, ये ब्लू जोन है, ब्लू जोन भी तो खतरे वाली होती है। हम सेफ जोन में चल रहे हैं, ये है सेफ जोन और वो है रेड जोन। तो हमने ये ले लिया है जूस, केले, खीरे और केले। इसमें से कुछ सामान तो हॉस्टल वालों का है, कुछ बच्चों ने मंगाया है और कुछ हमारा है। बहुत पड़ रही है यार, इधर ही आ जा तू। अरे वो मत आ रहा, आज की टूर मत आ रहा, अरे आज की टूर नहीं बढ़ानी है। भाई तरुण भूख लग रही है कि नहीं लग रही है? हैं
यार तू यार व्रत क्यों रख लिया ऐसे यार रखते हैं हमेशा इसलिए यार आज लौंडे ने व्रत रखा है भाई यार मैंने नहीं रखा आज मैंने चार पर इसके माट के और खा लिए परांठे अच्छी बात है और वही बिना नहाए यार अच्छी बात है भाई वो क्या नाम है ऊपर से माँ मैया जी बोलेंगे यार बड़े बेशरम आदमी कोई हुई नहीं है इनको चलो फिर मंदिर चलते हैं फटाफट आओ पहले रूम की साफ सफाई कर लेते हैं यार थोड़ी सी झाड़ू लगा लेते हैं थोड़ा बेड वेड ठीक कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये जो रूम है ना ये बूट कैंप है तो यहाँ पब्लिक चलती रहती है ऐसे धर्मशाला सी हो गई है आजकल सिर्फ इसकी वजह से तो फटाफट से अभी रूम की सफाई करते हैं और चलते हैं मंदिर ओ भाई अभी ये फन का टाइम कितना हो रहा है टाइम हो रहा है 6:30 और बस अपन पहुंचने वाले हैं मंदिर अंधेरा होने वाला है जल्दी पहुंच जाएं अंधेरा होने से पहले तो वो अच्छी बात है क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी इलाका पड़ता है ना क्या हो गया हमारा पहाड़ी इलाका नहीं वो ग्राउंड पे ही है नहीं पहाड़ी है वो पहाड़ चारों तरफ पहाड़ है अच्छा ओके चारों तरफ वादियां ही वादियां है ओके हां रनिंग बैक टू माय ओल्ड लाइफ दैट यू लीव इट बर्निंग स्पीकिंग सॉन्ग्स इन माय हेड या दैट्स द वे यू वांट इट शी कॉल्ड मी बेबी यू नाउ वेस्टिंग टाइम बट हाउ कुड आई लेट इट गो गाइस अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और यहाँ क्या शांति मिल रही है रियली मैं बता रहा हूँ वो वाला जो एरिया है ना हमारे हॉस्टल वगैरह वाला थोड़ा नॉइस वाला है क्राउडेड एरिया पर ये एकदम पहाड़ों की साइड में है एकदम मैं थोड़ा सा सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो साइलेंस है ना उसको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है यहाँ की जो साइलेंस है ना वो पीसफुल साइलेंस है और यहाँ मैं जब भी आ रहा हूँ ना मतलब इतना जितना भी स्ट्रेस जितना भी कुछ भी अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना सारी चली जाती हैं मैंने यहाँ पे एक सिनेमैटिक शॉर्ट्स वगैरह लेने जाते हैं तो अभी इसके फ़ोन से लूँगा मैं शुरू करें क्या ट्राई करेंगे लेना सिनेमैटिक वीडियो शूट करते करते रात हो गई अंधेरा हो गया जैसे पूरा दिख भी नहीं रहा इसमें तुम्हें चलते हैं अपन अब हॉस्टल फटाफट से 10-15 मिनट ही अपन ने काम किया होगा इतने में अंधेरा हो गया म्यूजिक